एज एन इन्वेस्टर, जब आप अपना हार्ड अर्न मनी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हेलो नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूँ मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इस चैनल पर मैं नए वीडियोस बनाता हूँ 4th, 14th और 24th तारीख को हर महीने की, और इन वीडियोस में मैं आपके साथ बात करता हूँ आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, बेसिकली हर उस टॉपिक के बारे में जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे चैनल का और पेचेक टू प्रॉफिट एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड का मोटो है हाउ टू हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स अर्न देयर फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू देयर पेचेक्स। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई सवाल हो जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में या इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके हमें आपके सवाल पूछिए, जिससे हम आपको आपके जवाब दे सकें। और मैं, अगर आपका सवाल कोई बड़े से टॉपिक के ऊपर कनेक्टेड हो तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाकर आपके उस सवाल का जवाब सबको बता सकूं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूं। एक इन्वेस्टर वो होता है जो एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाता है मल्टीपल शेयर्स का, जो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करता है। तो जब वो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर्स बेचता है तो जो परचेज प्राइस और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। एट द सेम टाइम एक ट्रेडर इन्वेस्ट करता है या ट्रेड करता है शेयर्स में, और वो ट्रेड का टाइम थोड़े से मिनट से लेके थोड़े से दिनों, थोड़े से घंटों और थोड़े से हफ्तों या थोड़े से महीनों के बीच का भी हो सकता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलिएगा, उसमें मैंने इस वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ होगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ सके। आज ये वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। क्या आपने कभी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में या फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल पे किसी को बाय द शेयर, होल्ड द शेयर, सेल द शेयर के बारे में बात करते हुए देखा है? क्या आपने कभी बाय या सेल रेटिंग किसी शेयर के ऊपर देखी है? ये जितने भी बाय या सेल की रेटिंग्स या रिकमेंडेशंस आपको नज़र आती हैं न्यूज़पेपर्स में या फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स पे, ये फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होती है। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे टर्म में ही लिखा हुआ है, एक कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में रिसर्च करने के बाद आया हुआ एनालिसिस है। एक फंडामेंटल एनालिस्ट एक कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स, माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स, इंडस्ट्री टर्म्स, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टर्म्स, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद एक कंपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रही है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद में एक रिकमेंडेशन पे आता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एनालिस्ट, ब्रोकरेज हाउसेस, ये सारे के सारे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हर बैंक या ब्रोकिंग हाउस ने उस कंपनी को एक जैसा ही एनालिसिस दिया हुआ होगा, भले फिर वो बाय का हो या सेल का हो, डिपेंड करता है उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। फंडामेंटल एनालिसिस एक इन्वेस्टर को एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन तो दे सकता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। एज एन इन्वेस्टर, जब आप अपना हार्ड अर्न मनी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भले एनालिसिस की रिपोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन उस एनालिसिस के रिपोर्ट के ऊपर जो आपका डिसीजन है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका हार्ड अर्न मनी है, अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी को 100 रुपये दे रहे हो उनका शेयर खरीदने के लिए, तो आप समझ लीजिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का आपका सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो किसी भी हेल्थ केयर कंपनी का बैलेंस शीट ज़रा उठा लीजिए, भले आपको उसका बैलेंस शीट या P&L स्टेटमेंट ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन उसका डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़कर आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि वो कंपनी ऑपरेट कैसे करती है। अगर आप एक पायलट हैं तो किसी भी एविएशन कंपनी का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए और आपको समझ में आएगा कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनका जो फ्लीट है ये कितना पुराना है, ये जिस रूट्स पे जा रहे हैं वो रूट का डिमांड कैसा है। तो क्या होगा, इससे एटलीस्ट आपको एक पहला स्टेप मिलेगा इन्वेस्ट कैसे करना है उसके बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस लोग सालों सालों तक करते हैं और फिर जाके उसे मास्टर करते हैं। कोई भी एक इंसान हर तरह की कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस फ्लॉलेसली नहीं कर पाएगा, लेकिन आप जितना रीडिंग करोगे, जितना रिसर्च करोगे, जितना इन्वेस्ट करने के ऊपर ध्यान दोगे,
आपको उतना ही फंडामेंटल एनालिसिस की हुई रिपोर्ट्स को समझने का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग कर लें कि आपके रिटायरमेंट के पहले आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपके पूरे रिटायरमेंट के फंड्स को, आपके सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा कर सके। मेरा आज का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही था ताकि एटलीस्ट आप समझ सके कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और आगे से अपने इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ा करके ध्यान देना चालू कर सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने मिला हो और आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और इसे प्लीज़ अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेचेक टू प्रॉफिट के बारे में पता चल सके ताकि वो अपना पेचेक को इन्वेस्ट करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। तो बस पेचेक प्रोज आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। Catching.